हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप घर पर आसानी से विंटर सीजन में अपने घुटनों के दर्द से छुटकारा पा सकते हो। घुटनों का दर्द हो, कमर दर्द हो, जॉइंट पेन हो, कहीं पर भी बॉडी में अगर आपको बहुत ज्यादा पेन रहता है तो इस फॉर्मूले को जरूर जरूर ट्राई करके देखिएगा। ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ, देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है, कैसे बनाना है। लेकिन चैनल पर नहीं है तो फटाफट से कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इस फॉर्मूले को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ अखरोट गिरी। अखरोट के 4 गिरी मैंने यहाँ पर ली है। अखरोट के अंदर जो है ना ऐसा मतलब कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो घुटनों के ग्रीस को बनाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। घुटनों का दर्द हो, कमर दर्द हो, बॉडी में कहीं पर भी दर्द हो, बहुत ही ताकत देता है ये। तो साथ में ले रही हूँ मैं एक चुटकी के करीब जो है ना काली मिर्च का पाउडर, और 4 बादाम मैंने यहाँ लिए हैं। बादाम हो या फिर यहाँ पर अखरोट गिरी हो, और ये मखाने जो है एक मुट्ठी में ले रही हूँ। सारे के सारे प्रोटीन से भरपूर होते हैं। इनके अंदर प्रोटीन कैल्शियम इतनी मात्रा में होता है, ऑयल नेचुरल ऑयल्स इनके अंदर होते हैं जो कि आपके घुटनों के दर्द को ठीक करते हैं, बॉडी पेन को ठीक करते हैं, साथ साथ घुटनों में एक ग्रीस लाते हैं। आपको हर तकलीफ से बचाने में ये ड्राई फ्रूट्स जो है बहुत बेनिफिशियल रहते हैं, स्पेशली विंटर सीजन में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं आपको। आपने ये सारे इंग्रेडिएंट जो है ना अच्छे से ग्राइंड कर लेने हैं, पीस लेने हैं। मैंने इसको यहाँ पर पीस लिया है और बस ये तैयार हो गया है। फॉर्मूला आपको कैसे लेना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने इसको ना दिन में एक बार दूध के साथ कंज्यूम करना है, ठीक है गाइस? आपने 1 चम्मच के करीब ये भर के खाना है डेली। डेली 1 चम्मच अच्छे से भर के आपने चबा चबा कर इसको खा लेना है इस पाउडर को, और साथ में 1 गिलास या 1 कप दूध जितना आप पी सकते हैं। लूक वॉर्म होना चाहिए, ठंडा दूध नहीं होना चाहिए, लूक वॉर्म दूध आराम से बैठकर पीजिए। और ये जो है ना ये दोनों चीज़ें अगर आप लगातार 1 महीना भी करते हैं तो आपको अंदर से ताकत भी मिलेगी और आपके घुटनों में जो है ताकत आने के साथ साथ ग्रीस बनेगी, और साथ साथ आपको किसी भी तरीके का कैल्शियम की कमी बॉडी में नहीं होगी, प्रोटीन की कमी नहीं होगी। बहुत अच्छा तरीका है ये अपने आप को फिट एंड फाइन रखने का और घुटनों के दर्द से अपने आप को बचा के रखने का। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए वीडियो पर, और सोशल मीडिया पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलूंगी आपको अनदर फैंटास्टिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।